السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالنا تاما أنتم بخيري أنا أفغان جليبي مايكل سيزاريو دي سانتا ماتيرو أنا يوتيوب چنل أنا تاما لا أنتم بخيري ها कैसे हो अभी भी मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी लॉकडाउन में होंगे क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस अभी भी चल रहा है तो आज मैं किसको रोस्ट कर रही हूँ और किस टॉपिक को रोस्ट कर रही हूँ थंबनेल और फोटो देखकर समझ गए होंगे थंबनेल मैं आज के किसको रोस्ट कर रही हूँ मैं आपको थंबनेल में दिखाऊंगी थंबनेल में दिखा चुकी हूँ और किसकी किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ ये भी दिखा चुकी हूँ तो आज मैं बहुत हैप्पी मूड में थी इसलिए स्टार्टिंग में हैप्पी कंटेंट क्या कर दी बजा दी सॉरी हैप्पी कंटेंट मैंने दिखा दी है तो आज आलमस जैकब को आज मैं ये कहना चाहती हूँ मेरी चेयर मेरी किचन आलमस जैकब बनेगी चिकन तो शुरू किया जाए आज का टॉपिक वेलकम टू वी आर वॉचर्स मैं हूँ आलमस जैकब और आप देख रहे हैं वॉल्ट डिज्नी माइंड कंट्रोलिंग विद मैजिक दोस्तों मार्वल यूनिवर्स को एक्सपोज करने के बाद अब मैं वॉल्ट डिज्नी की शैतानी एमके अल्ट्रा माइंड कंट्रोल ट्रिक्स को एक्सपोज करने वाली सीरीज का आगाज आज की वीडियो से कर रहा हूं जिसमें हम वॉल्ट डिज्नी के बारे में जानेंगे कि ये कौन था और इसने ये कंपनी कैसे बना ली तो दोस्तों वॉल्ट डिज्नी 5 दिसंबर 1901 को ट्रिप एवेन्यू चिकागो में पैदा हुआ इसके बाप का नाम इलियास डिज्नी था जो आयरिश खानदान से ताल्लुक रखता था और इसकी माँ का नाम फ्लोरा कॉल था जो अमेरिकन जर्मन खानदान से ताल्लुक रखती थी डिज्नी के 4 बहन भाई थे 3 भाई हर्बर्ट रेमंड और रॉय और एक बहन रूथ थी डिज्नी को बचपन से ही ड्राइंग का काफी शौक था जब ये 4 साल का था उस वक्त इसने पैसे लेकर अपने पड़ोसी के घोड़े की ड्राइंग बनाई थी इसने बहुत से अखबारों में कार्टून्स बनाकर कमाई की और आखिरकार ये हॉलीवुड आ गया हॉलीवुड में कुछ अरसा मार्गरेट जे विंकलर के पास काम करता रहा और आखिरकार अपने भाई रॉय के साथ मिलकर द वॉल्ट डिज्नी कंपनी बना ली डिज्नी का सबसे पहला कार्टून जो इसने मार्गरेट के लिए बनाया वो एलिस कॉमेडीज था वॉल्ट डिज्नी कंपनी का पहला कार्टून मिक्की माउस था जिसने इस कंपनी को पहचान दिलाई आज तक ये बात कोई भी नहीं जानता कि डिज्नी के दिमाग में ये कार्टून करेक्टर कैसे आया कुछ का मानना है कि डिज्नी ने एक चूहा पाल रखा था और उसी पालतू चूहे को देखकर इसके जहन में ये कार्टून करेक्टर आया होगा मिकी माउस पहला ऐसा कार्टून है जिसे बेहद पसंद किया गया आखिर इस कार्टून में ऐसा क्या था जो इसे जो भी देखता था वो इसका दीवाना हो जाता था तो दोस्तों ये कार्टून पहला एमके अल्ट्रा माइंड कंट्रोलिंग शैतानी कार्टून था जो लोगों को अपने जादू से हिप्नोटाइज्ड कर देता था आप देख सकते हैं कि ये कार्टून शैतानी बैफोमेट पर बनाया गया कार्टून था इसकी पूरी शक्ल उल्टे पेंटाग्राम पर बनी है डिज्नी के हर कार्टून में तंबाकू नोशी या सिगरेट पीना और मिरर यानी शीशा जरूर इस्तेमाल किया जाता था ये कैटरपिलर जो आप देख रहे हैं ये जादुई कैटरपिलर है जो हुक्का पीता है यही कैटरपिलर मार्वल के कॉमिक्स डॉक्टर स्ट्रेंज में भी देखा जा सकता है जो हुक्का पीता है और जिसकी तीनों आंखों में से एक आंख वाला नेकलेस जिसे मार्वल ने आई ऑफ एगामोटो का नाम दिया है नोट करें दोनों जादुई कैटरपिलर्स हैं और दोनों हुक्का पीते हैं डिज्नी के कार्टून एलिस इन वंडरलैंड में ये कैटरपिलर एलिस को मशरूम पर बैठा मिलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को मार्वल के कॉमिक्स में भी ये मशरूम पर ही बैठा हुआ दिखाई देता है डिज्नी के हर कार्टून में आपको धुआं और शीशा जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि जादूगर इसी तरीके से बदरूहों को बुलाते हैं आपको ये याद रखना कि आईना इतना बड़ा होना चाहिए पहले तो आपको ये तय करना है उसमें जो रू या कोई ऐसा चक्कर है वो इतनी बड़ी हो रू या कोई ऐसा चक्कर है वो इतनी बड़ी हो रू या कोई ऐसा चक्कर है वो इतनी बड़ी हो
उस आईने में पूरी आ जाएगी। जो अक्स होता है बेसिकली आपको रिफ्लेक्शन यहाँ कैप्चर करनी है, यहाँ लाना है, यहाँ ला के एकदम तेज से आएगी यहाँ। लेकिन अगर ये छोटा हुआ और आधा धड़ बाहर रह गया उसका, या आधा जिस्म बाहर रह गया, या आधा उसका हिस्सा बाहर रह गया, तो वो हिस्सा जो है ना कट के एक तरफ जाएगा और वो खतरनाक है। डिज्नी एक शैतान का पुजारी था जिसका मकसद दुनिया को रूहानी आंखों से अंधा करके मासूम और खूबसूरत दिखने वाले बेजरर कार्टून्स के जरिए जादूगरी और शैतानियत को बच्चों के दिल में उतारना था। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी की जिंदगी पर किताब लिखने वाले राइटर मार्क एलियट का कहना है कि डिज्नी हॉलीवुड का डार्क प्रिंस है, यानी ये एक हॉलीवुड का शैतानी शहजादा है। यही पहला सक्सेसफुल कार्टूनिस्ट है जिसने शैतानियत को कार्टून्स के जरिए टीवी पर इंट्रोड्यूस करवाया। इसके हर कार्टून में शैतानी सबलिमिनल मैसेजेस और सिंबल्स पाए जाते हैं। वॉल्ट डिज्नी की किताब द आर्ट ऑफ वॉल्ट डिज्नी के कवर में ही शैतानी निशानात देखे जा सकते हैं, जैसे मिकी माउस का हाथ डेविल हॉर्न्स यानी शैतान के सींग बना रहा है, और वॉल्ट डिज्नी के अपने हाथ से किए गए सिग्नेचर्स यानी वो साइन जो चेक पर किए जाते हैं, उन सिग्नेचर्स में 666 साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक मिनट, हम सिर्फ इन निशानात से किसी इज्जतदार आदमी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। हो सकता है कि ये सब कुछ इत्तफाक हो और डिज्नी ने ऐसा कुछ भी ना सोचा हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिज्नी एक 33 डिग्री फ्री मेसन था, जिसे इस तस्वीर में देखा जा सकता है। ये ऑर्डर ऑफ डी मोले इंटरनेशनल का कार्ड है। डिज्नी जब केनास के शहर में था उस वक्त ये इस क्लब का मेंबर था। आप देख सकते हैं फ्री मेसनरी का लोगो। लेकिन एक मिनट अलमास, ऑर्डर ऑफ डी मोले इंटरनेशनल तो 12 साल से 21 साल के बच्चों का एक सीक्रेट टाइप ग्रुप है, तो डिज्नी तो इस तस्वीर में इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। और वैसे भी तुमने कहा था कि डिज्नी 33 डिग्री फ्री मेसन था, तो डी मोले तो सबसे पहला लेवल है फ्री मेसनरी का, तो ये 33 डिग्री कैसे हुआ? जी हाँ दोस्तों, ये क्लब 12 साल से 21 साल के बच्चों का है और डिज्नी इस तस्वीर में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, डिज्नी बचपन से ही शैतानी फ्री मेसनरी से मुतासिर था, और ये तस्वीर तब की है जब डिज्नी कामयाब हो गया था। उस वक्त इसे इसके स्कूल ने इनवाइट किया था बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। मजीद, ये डिज्नी की तस्वीर है जब ये 33 डिग्री फ्री मेसन ग्रैंड मास्टर बना। अगर अभी भी आपको यकीन नहीं आता तो डिज्नीलैंड में क्लब 33 के नाम से एक जगह है जिसमें हर एक चीज फ्री मेसनरी के निशानात और सिंबल से बनाई गई है। जैसे फ्री मेसोनिक फ्लोर, जो जमीन पर ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स होती हैं, वो यहाँ हैं। ब्लू और येलो या गोल्डन कलर, जो फ्री मेसनरी में बेसिक कलर्स हैं, यहाँ उस कलर के पर्दे हैं। इस क्लब का मेन डोर यानी अंदर जाने वाले दरवाजे की दोनों तरफ एक एक पिलर बनाया गया है, जो टू मेसोनिक पिलर्स होते हैं। यहाँ 33 लिखा हुआ है, मिकी माउस वाली कैप पर, मिकी माउस वाली कैप पर भी 33 लिखा हुआ है। ऐसे ही कैप शैतान का पुजारी मार्लिन मैनसन पहनता है। अगर आपने मार्लिन मैनसन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखी, उसमें मैंने एक्सपोज किया है कि वो कितना बड़ा शैतान का पुजारी है। पटेल मास, मेरी बात सुनो, मिकी माउस वाली कैप अगर मैं पहन लूंगा तो इसका क्या मतलब है कि मैं भी 33 डिग्री फ्री मेसन बन जाऊंगा? या मार्लिन मैनसन की ये कैप पहन लेने से डिज्नी कैसे 33 डिग्री फ्री मेसन या शैतान का पुजारी साबित होता है? कोई और सबूत दो। ठीक है बाबा, ठीक है। अब ये एक ऐसा सबूत है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। डिज्नी की मौत 15 दिसंबर 1966 में हुई थी और इसकी लाश को दफनाने से पहले राख बनाकर फिर दफनाया गया था। वॉल्ट डिज्नी अगर एक मसीही होता तो इसकी लाश को दफनाया जाता, ना कि आग में जलाकर राख करके फिर दफनाया जाता। आग में जलाने के लिए यहाँ लफ्ज क्रेमेटेड यूज किया गया है। विकिपीडिया ने यहाँ आग में जलाने के लिए लफ्ज क्रेमेटेड यूज किया है और लिखा है हिज एशेज इंटर्ड, यानी इसकी राख को फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क कैलिफोर्निया में दफनाया गया। अगर आप सोच रहे हैं कि डिज्नी के साथ ऐसा क्यों किया गया, तो जवाब है क्योंकि डिज्नी एक सेटनिस्ट था जो शैतान की पूजा करता था, और सभी शैतानी लोग जो जादूगरी और फ्री मेसनरी में इन्वॉल्व होते हैं उनको जलाकर उनकी राख को दफनाया जाता है, क्योंकि इनको लगता है कि ये भी फीनिक्स की तरह एक दिन राख में से दोबारा जिंदा हो जाएंगे। इसीलिए एल्बर्ट पाइक की किताब पर जो परिंदा बना हुआ है उसे फीनिक्स कहते हैं। शैतान का मंदिर बनाने वाले एंटोन लेवे को भी क्रेमेटेड यानी जलाने के बाद दफनाया गया। 33 डिग्री फ्री मेसन और शैतान यानी लूसीफर को खुदा मानने वाले एलिस्टर क्रॉली को भी जलाकर राख बनाकर दफनाया गया।
फ्री मेसनरी की किताबें लिखने वाले 33 डिग्री फ्री मेसन एल्बर्ट पाइक को भी जलाकर दफनाने की ख्वाहिश खुद एल्बर्ट पाइक ने की थी, मगर उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की गई और उसे ऐसे ही दफना दिया गया था। ये एक इतना बड़ा सबूत है कि डिज्नी 33 डिग्री फ्री मेसन था और इसकी सारी पैदावार शैतानियत, फ्री मेसोनिक सिंबल्स और सबसे बढ़कर जादू टोना देखा जा सकता है। जैसे ये 1931 के कार्टून बिम्बो में, बिम्बो यानी ये कार्टून अपने ही दुनिया में गुम सड़क पर चला जा रहा होता है कि एक गटर में गिर जाता है जिसका ढकना मिकी माउस ने खोल रखा होता है कि बिम्बो इसमें गिर जाए, और जैसे ही ये इसमें गिरता है मिकी माउस इस गटर का ढकना बड़े से ताले से लॉक कर देता है ताकि ये उसमें से निकल ना सके, और बिम्बो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी होती है, और वहां के लोग इससे पूछते हैं क्या तुम मेंबर बनना चाहते हो, तो बिम्बो कहता है कि नहीं, तो वो इसे एक ऐसे रूम में भेज देते हैं जहां सब कुछ उल्टा हो जाता है, और फिर से एक बंदा इससे पूछता है क्या तुम मेंबर बनना चाहते हो, तो वो फिर से ना कहकर जानलेवा मुश्किल में पड़ जाता है, जहां उसे जगह जगह जादुई चीजें दिखाई देती हैं, और एक बार फिर वही लोग इससे पूछते हैं क्या तुम मेंबर बनना चाहते हो, तो ये फिर से कह देता है कि नहीं। फिर इसे चार दरवाजे दिखाई देते हैं जिनमें से दो दरवाजों पर तो साफ साफ स्कल एंड बोन्स बना हुआ है, और नंबर 13 जो इल्यूमिनाटी की 13 ब्लड लाइंस की वजह से इल्यूमिनाटी की पहचान का नंबर है। स्कल एंड बोन्स वाला दरवाजा खोलने पर इसे एक शीशा दिखाई देता है। अब यहाँ भी शीशा इस्तेमाल किया गया, आप देख लें। इस शीशे में बिम्बू अपना अक्स देखता है जो इसे इशारा करता है कि दूसरा दरवाजा खोलो। दोस्तों अब अगर आप अपने आप को शीशे में देखो और आपका अपना अक्स आपको इशारे करने लग जाए तो आपकी कैसी हालत होगी। यही काम जादूगर करते हैं, शीशे के जरिए दूसरी दुनिया से चीजों को बुलाते हैं। यही चीज कॉन्स्टेंटीन मूवी में भी दिखाई गई थी, जब हीरो एक लड़की में से बदरूह निकालता है तो उसे शीशा दिखाता है और शीशे में कैद करके शीशे को तोड़ देता है। लेकिन क्योंकि ये एक कार्टून है तो लोगों का जहन पहले से ही तैयार होता है कि ये मजाक हो रहा है, और बच्चे सोचे समझे बगैर ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जैसे स्नो व्हाइट की एनिमेटेड मूवी में जो कि 1937 में डिज्नी ने रिलीज की थी, उसमें भी वो चुड़ैल धुएं और शीशे का इस्तेमाल करके भूत को बुलाती है। आपको याद ही होगा वो कहती है मैजिक मिरर ऑन द वॉल, यानी जादू के शीशे जो दीवार पर है, और उस शीशे में एक भूत या जिन नजर आता है जो इसके सवालों के जवाब देता है। दोस्तों ये जादूगरी नहीं तो और क्या है। छोटे छोटे बच्चे जादूगरी को बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज समझते हैं, जबकि कलामे मुकद्दस में लिखा है जादूगर आसमान की बादशाही में हर किस दाखिल ना होंगे। जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि मैजिक बहुत फन और जॉय की चीज है, तो आपको क्या लगता है आपके बच्चे कभी ट्राई नहीं करेंगे? आपकी भूल है, क्योंकि बच्चे विजी बोर्ड या ऐसी मजीद दूसरी गेम्स के नाम से चीजों को जरूर बुलाएंगे जो सारी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। यही तो माइंड प्रोग्रामिंग है। आपके दिमाग को कुछ करने के लिए उकसाया जाता है, मजबूर किया जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका दिमाग कंट्रोल कर लिया गया है। आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक को कॉन्शियस माइंड कहते हैं और दूसरे को सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में हर वो चीज होती है जो करने के लिए आप सोचते हो और फिर करते हो। जैसे आपको भूख लग रही है तो ये आपका दिमाग यानी कॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है, लेकिन जो कुछ आपकी आदतें और ऐसी चीजें जिनके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, जैसे जब आप चलने लगते हो तो आप नहीं सोचते कि पहले कौन सा कदम उठाना है, आप बस चलना शुरू कर देते हो। ऐसे ही जब तक आपको साइकिल चलाना नहीं आता, आपको सोचना पड़ता है कि हैंडल ऐसे पकड़ना है, पैडल ऐसे चलाने हैं, वगैरह वगैरह। मगर जब आप सीख जाते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि आप चल रहे हो। ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। स्टडीज ने शो किया है कि अगर किसी को बार बार कहा जाए कि वो मर जाए तो उसका जहन खुद को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही बार बार जब शीशा और जादू दिखाया जाएगा तो बच्चे क्या करना चाहेंगे? जी हाँ, जादूगर बनना चाहेंगे। आगे चलकर बिम्बू सारे दरवाजे खोलता है और क्वेश्चन मार्क वाले दरवाजे में चला जाता है। बाय द वे, स्कल एंड बोन्स एक सीक्रेट सोसाइटी है जो इल्यूमिनाटी के अंडर काम करती है, जिसके मेंबर्स में से मशहूर जॉर्ज डब्ल्यू बुश है और उसका बाप भी इसी सोसाइटी का मेंबर है। क्वेश्चन मार्क वाले रूम में एक साइकिल होती है जिसको चलाने से बिम्बू को मार पड़ती है और ये तेज साइकिल चलाकर स्विमिंग पूल में गिर जाता है, जहां फ्री मिसोनिक टाइल जो ब्लैक एंड व्हाइट चेकरबोर्ड टाइल्स फ्री मेसन के लॉजिस में लगी होती हैं, वो दिखाई देती हैं। और आखिर में
वो अजीब सा मर्द बिम्बू के सामने अपना चोगा उतार देता है और वो एक जवान लड़की होती है जो इसके सामने नाचती है और बिम्बू उस सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे डिज्नी एक शैतान का पुजारी था और उसका मकसद नई नस्ल में जादूगरी और शैतानियत को प्रमोट करना था। आज भी डिज्नी के मर जाने के बावजूद भी डिज्नी मार्वल और अपनी शैतानी प्रोडक्शन के जरिए दुनिया को गुनाह और शैतानियत की तरफ बिम्बू की तरह बुला रहा है। बाय द वे बिम्बू का मतलब है एक ऐसी जवान लड़की जिसे किसी बात की कोई समझ नहीं आती, जो इंटेलिजेंट नहीं होती। तो दोस्तों डिज्नी की एक्सपोज्ड सीरीज की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तो आप देख रहे होंगे कि अल्मास जैकब की एक क्लिप, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अल्मास जैकब यहाँ पे बहुत सारी बातें कही है, लेकिन बहुत सारे बातें छुपा भी है। तो चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं वर्ल्ड डिज्नी के बारे में। चलिए देखते हैं। जब देख रही है मेरी गले पे खांसी आ गई है, देरी हो गई है। तो खैर वर्ल्ड डिज्नी के बारे में, जैसे अल्मास जैकब पता ही है कि वर्ल्ड डिज्नी का जन्म December 5, 1901 में पैदा हुआ और वर्ल्ड डिज्नी का असल नाम है वर्ल्ड एलियस डिज्नी, जो अमेरिका की इलिनोसिस की शिकागो में पैदा हुआ और 1966 में December 15 में 65 की उम्र साल की उम्र में यूएस की कैलिफोर्निया की बुनबर्ग में वफात पा ली है। तो उनका उनका जो प्रोफेशन थे वो एक एंटरप्रेनर थे, एनिमेटर थे, वॉइस एक्टर थे और फिल्म प्रोड्यूसर थे। तो ये भी पता होगा कि वर्ल्ड डिज्नी कंपनी का बोर्ड मेंबर भी था 1923 से 1966 तक। उनका जो रिलेटिव्स जो है डिज्नी फैमिली से है और 26 अवार्ड एकेडमिक अवार्ड जीत चुका है, 22 कॉम्पिटिटिव फॉर ऑनरेट, 3 गोल्डन ग्लोब है वर्ल्ड से और 1 एमी अवार्ड से। लेकिन बहुत सारे बातें अल्मास जैकब अपने छुपाया भी था। तो अल्मास जैकब जिस बातें छुपाया था वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अल्मास जैकब की फैमिली में पैदा हुआ तो ये तो हम जानते हैं। और अल्मास जैकब ये बताया था कि वर्ल्ड डिज्नी जब 4 साल का था तब उनकी फैमिली मिस्रोडी की मार्सिलाइन में शिफ्ट हो गया और उस वक्त से अल्मास जैकब को पेन कार्टून बनाने का शौक था। लेकिन जो बातें नहीं बताया वो मैं आपको बता देती हूँ। अल्मास जैकब वर्ल्ड डिज्नी 1917 में
शिकागो के शिकागो की जेली प्रोड्यूसर के को खरीद लिया जो ओ जेली कंपनी की है, तो फैमिली के साथ शिफ्ट हुई है। और उन्होंने भी शिकागो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से ली है। 1918 के वक्त में डिज्नी और जर्मनों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए वह अमेरिका की स्टेट अमेरिका यूनाइटेड स्टेट आर्मी भी ज्वाइन करने भी अटेंड की है, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि उन्होंने क्योंकि हाँ क्योंकि उनकी उम्र काफी छोटी थी, और 17 साल की उम्र में। तुम कहते हो कि लॉ एंड ऑर्डर ऑफ मेंडली, अल्मास जैकब कहता है कि ऑर्डर ऑफ मेंडली में 17 साल से 21 साल तक, 14 साल से 21 साल तक वर्ल्ड मेंडली में ज्वाइन किया है। अगर वर्ल्ड मेंडोलिन में जन्म किया है तो पढ़े वहाँ पे पढ़ाई की होगी, लेकिन यहाँ विकिपीडिया में साफ देखा जा रहा है कि 1917 में ही यानी कि 16 साल की उम्र में अमेरिका की मिलिट्री में जन्म करने की अटेम्प्ट भी की थी जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन फेल हो गए क्योंकि उनकी उम्र में वो काफी छोटा था। तो ऑर्डर ऑफ लेने जैसे फ्रीमेसन की चाइल्ड एज स्कूल में भर्ती होने का वाक मिलना ना था। डेट ऑफ बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट के साथ समेत उन्होंने रेड क्रॉस में ज्वाइन किया, और वो भी 1918 की सितंबर में। और उनका प्रोफेशन क्या था? एम्बुलेंस ड्राइवर, एम्बुलेंस। बाद में वो फ्रांस में शिफ्ट हुआ था, लेकिन नवंबर में आर्मिस्टिक होने के बाद वापस भी आ गया था। तो तुमने जो कहा था कि एम्बुलेंस में भी पेंट का कार्टून बनाने का शौक था, और कार्टून बनाने का शौक था, एम्बुलेंस का ड्राइवर था। और तुमने ये भी नहीं बताया कि वर्ल्ड डिज्नी एम्बुलेंस का ड्राइवर भी था, और वर्ल्ड डिज्नी एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था तो कैसे तो पेन किया ही होगा शायद। तो तुमने ये नहीं बताया, ये भी छुपाया था तुमने। उसकी जो डेकोरेशन और कुछ का अमल नामा तो स्टार एंड स्ट्रिप के नाम की पे आर्मी न्यूज़पेपर में पब्लिश भी हुए थे। तो कांसास अक्टूबर 1919 में कांसास सिटी में शिफ्ट भी हुए थे इन्होंने। तो और उसके साथ जो एपेंस आर्टिस्ट वहाँ पेसमैन रूबिन के साथ एक कमर्शियल आर्ट स्टूडियो में किया था, जहाँ आर्ट एडवर्टाइज इलस्ट्रेशन और एडवर्टाइज के आर्ट वाले जो एडवर्टाइज कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट उन्होंने ड्रॉ किया था। तो इन दोनों में यूबी आई के साथ उन्होंने दोस्ती की थी। तो आलमास जैकब ने ये बात भी छुपाया था कि जनवरी तो 1920 में, यानी कि जब वर्ल्ड डिज्नी का उम्र करीब, हाँ वर्ल्ड डिज्नी का उम्र 19 साल का था, तो क्रिस्टोफर
क्रिसमस के बाद पेसमैन रूबिन ने रिव्यू देने से इनकार कर दिया। हाँ, और डिज्नी और आयरिक को लो क्रिएटिविटी की वजह से धक्के मारकर बाहर कर दिया। और उनके बाद उन बिजनेस अपना खुद का बिजनेस चलाना आया डिज्नी और आयरिक ने, जो शॉर्ट लिविंग है, बहुत कम उम्र में चल पाई। तो कस्टमर की अट्रैक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की नाकामी के वजह से डिज्नी और हार्डिक ने एग्रीमेंट कर दिए थी कि अब से वो अलग अलग दिशाओं में काम करेंगे और एक ही दिशा में काम हर किस नहीं करेंगे। तो उसका कुछ महीने के बाद आयोडिक ने फिर से डिज्नी के कंपनी में जन किया है और पहले से ही बहुत कम आंकड़े की पैसा आन की कमाई की है। इन्होंने सन 2023 में न्यूमैन लव और ग्राम नाम का स्टूडियो बनाई है। शुरुआत में कुछ सक्सेस मिल रही थी उसे, लेकिन बाद में क्या हुआ, सन 1921 की मई महीने में जो कामयाब लव प्रोग्राम की कामयाब होने के बाद जो स्टूडियो बनाई थी, तो उसका वो बाद में लॉस की तरफ जाने लगा। तो हार्मन फ्रदर हॉक रूडलॉफ इस और आयरिक थे, तो वहाँ पे डिज्नी एक प्रोडक्शन स्टार्ट किया है जिसका नाम है एलिस वंडरलैंड। और इन्होंने कास्ट किया वर्जीनिया डेविस एंड द टाइटल्स रोल, जो सारे 12 मिनट चल पाई वन रियल फिल्म में। लेकिन जब कंप्लीट हुई है तब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वर्ल्ड लव प्रोग्राम स्टूडियो जो है वो सन 1923 में बैंक्रप्ट हो चुके थे। तो डिज्नी कहा हॉलीवुड सन 1923 की जुलाई में शीट हुए थे, जबकि न्यूयॉर्क में उनका एक कार्टून इंडस्ट्रीज था। तो एक औरत को खरीद हायर किया और अपनी वॉल्ट डिज्नी कंपनी की प्रोडक्शन में शुरुआत से डिज्नी बटर स्टूडियो थी, जो बाद में वॉल्ट डिज्नी कंपनी के नाम पे तब्दील हो गई है। तो मार्गरेट जे विंकलर को हायर की थी और कॉन्ट्रैक्ट था हर महीने के सिर्फ $100 की, जो आज के हिसाब से 8,000 रुपये, 7,500 इंडियन रुपये और 8,000 बांग्लादेशी रुपीस, तो सॉरी बांग्लादेशी टकास। तो यहाँ पे वर्ल्ड डिज्नी चल ही रहे थे और वर्ल्ड डिज्नी यहाँ पे बहुत लॉस में चल रहे थे। अब वर्ल्ड डिज्नी के बारे में तो बताया होगा, गोल्डन सन 1934 में से सन 1941 तक एनिमेशन की गोल्डन एज थी। उस वक्त वर्ल्ड डिज्नी कंपनी ने 22 ऑस्कर जीत ली है और 4 डोमिनेट भी पा ली है।
उनकी इलनेस और डेथ, उनकी डेथ और आफ्टरमैथ की अगर बात की जाए तो पहला जंग के बाद में ही, पहला जंग के बाद अंडर स्मोक लेना शुरू की थी और हुक्का नहीं पी, हालांकि हुक्का नहीं पीता था, एक पाइप सिगरेट पी लिया था। इस पाइप पे जो सिगरेट है उसी पिया था और डायरेक्टली सिगरेट उन्होंने नहीं पिया था। तो उसका चलते नवंबर 1966 में, यानी कि नवंबर 1966 में लंग कैंसर हो गई थी और जिसके साथ डायग्नोसिस करनी पड़ी थी और कोबर्ट थेरेपी उन्होंने लिया था। हाँ, और नवंबर 30 में उनके वो बहुत बीमार होने लगे थे और अपने 66 अपने 65 बर्थडे पूरे करने के बाद 65 साल की उम्र में सन 1966 में कि दिसंबर 15 में उन्होंने ऑफर पा लिया है। और उनकी ऑफर पाने के बाद डिज्नी चल रही थी और डिज्नी हमेशा डिज्नी बहुत सारे अच्छे काम अमल भी लेकर आए थे। सन 1962 में डिज्नी वर्ल्ड डिज्नी कंपनी एयरपोर्ट सेंटर में ट्रांसफर किया था और सन 2014 में 134 मिलियन विजिटर वो एयरपोर्ट करीब पा ली थी। तो आलमास जैकब ने बताया था कि यहाँ पे वर्ल्ड डिज्नी ने फ्रीमेसन का मेंबर बना और वर्ल्ड डिज्नी फ्रीमेसन के साथ काम किया था और उनके पास खुद फ्रीमेसन का क्लब था जो जिस क्लब में मेंबर था। तो तुमने काफ़ी सिंबल भी दिखाई थे ये, लेकिन तुमने ये भी बताया था कि अब तो कुछ और वीडियो में थी, तुमने ये भी बताया था कि फ्रीमेसन एक सीक्रेट सोसाइटी, इल्यूमिनाटी नाम की सीक्रेट सोसाइटी का स्कूल है जो हकीकत में होते ही नहीं है। तो लेकिन फ्रीमेसन नाम का सीक्रेट सोसाइटी तो होते हैं और वो स्कूल की तरह होते हैं। तो तुमने कहा था कि अमीर लोग ने इसको एफोर्ड कर पाएगा और जो अमीर इंसान है वही फ्रीमेसन में ज्वाइन कर पाएगा। हाँ, लेकिन 20 साल की उम्र में जिनका कंपनी लॉस में चल रही हो, जो लुब्रिन कंपनी से इसलिए निकाला गया हो क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी कम थी, तो वो फ्रीमेसन के फ्रीमेसन के कंपनी में योगदान, फ्रीमेसन में कैसे जा सकता है। ये तो वही बात हो गई कि मैं व्हाइट हाउस का मेंबर हूँ लेकिन मैं व्हाइट हाउस के जाने के लायक भी नहीं हूँ। अजीब बहुत सारे अजीब बात ने इन्होंने बताया भी था, हाँ, जो कि आज के ज़माने में बहुत सारा अजीब बात हो गई थी। तुमने कहा था कि
वर्ल्ड डिज्नी ने जो मिकी माउस के पार्ट भी में उसके बारे में बात करूंगी। आप मिकी माउस के बारे यहाँ पे मैंने बात की है, बात करूंगी मिकी माउस मैजिक और सम कंफ्यूजन अबाउट द होली बाइबल। सॉरी रुकावट के लिए खेत है। तो पहले बात करूंगी कि मिकी माउस के बारे में। तो मिकी माउस जो है वो सन 1928 में वर्ल्ड डिज्नी और आईबी यूरिक के द्वारा बनाई हुई एक कार्टून है। और यहाँ पे ये एक एंथ्रोपोमॉर्फिक माउस है और जो बनाया गया है। और इसका जो वॉइस है तो किन्होंने इसका वॉइस बनाया है तो वॉइस दी है ये मैं देखा बताती हूँ। इनका वॉइस जो बनाई है वो है वर्ल्ड डिज्नी 1948 से 1947 1955 से 1962 और 2013। कर्ल डब्ल्यू स्टार्लिंग 1929, जेमी मैकडोनल्ड 1947 से 1977, कार्लेस नांस 1951 से 1952, वायने अलवे 1977 से 2009, नेस पकमेन 1986 से 1987, बेट आवन 2009 से आज तक, इस डेंटोफोरस 2013 से आज तक जो वॉइस एक्टर्स है। तो वर्ल्ड डिज्नी माना जा चुके हैं। तो फिर सन 2013 में कैसे सन 2000 से में उनका जो वॉइस है उनको सब स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करके बताया गया है। इसके अलावा उनका वॉइस का कोई काम नहीं था। तो स्ट्रीम बोट वेली 1928 से डिबीटिंग हुई वर्ल्ड मिकी माउस की। यहाँ पे प्ले नी क्रेजी जो यहाँ पे फर्स्ट मिकी माउस को दिखाया गया है। आप इनके पास इनके बारे में कई लीगल इश्यूज है जो हो दूसरे डिज्नी कैरेक्टर की तरह मिकी माउस सिर्फ कॉपीराइटेड ही नहीं है, वो एक ट्रेडमार्क बन चुका है जो पब्लिक डोमेन में गया है, जहाँ पे डिज्नी कैरेक्टर्स की तरह मिकी माउस को ऑथराइजेशन के बिना ट्रेडमार्क नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे वर्ल्ड डिज्नी प्रोडक्शन के साथ यार पायरेट्स की भी कानूनी जंग चल रही थी सन 1971 में। और बाजार क्या थी मिकी माउस। कॉपीराइट स्टेटस से मैट डॉक्टर मिकी माउस के खिलाफ कई एक्शन लिए गए हैं। और इटली में सन 1935 में इटली में बैन किया गया था जो कि आप सन 1945 के तहत हट गई है। मिकी और खैर मैं बात करती हूँ यहाँ पे आलमा जैकब ने जो देखा था वह है मिकी माउस का कुछ सिंग साइन जो शैतानिज्म प्रमोट की जाती है।
ये कौन सा 666 है भाई? मैंने जब गार्ड आलमास जैकब के कंटेंट पर गार्ड किया था तो मिकी माउस के द्वारा यही सिक्स यही साल दिखाया गया है। तो जैसे कि आलमास जैकब बताता है कि यहाँ पे ये 666 दिखाए जाते हैं, ये 666 ये साइन 666 साइन है। तो यहाँ पे एक सिक्स गैप है, तो 666 कैसे दिखाया जा रहा है। दूसरी बात है, मिकी माउस को पेंडो फिल्म में किया गया है, तो मिकी माउस पेंडुलम पे जो मिकी माउस के पर दिया जा रहा हो तो बहुत अच्छी बात है पेंडुलम पे हो। हाँ, पेंडो यहाँ पे उल्टा पे सॉरी उल्टा पेंटाग्राम में किया गया है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी उल्टा उल्टा पेंटाग्राम में नहीं किया गया। तो कई सारे इंसान मिकी माउस की हैट को कॉपी करता है। अगर इनमें से कुछ इंसान सैटनिस्ट लिखना तो इसका क्या ये मतलब है कि मिकी माउस सैटनिस्ट है? तो मैं यहाँ पे 666 मैंने आपको दिखा दी, तो इसका हर किसी ये मतलब नहीं है कि मैं एक सैटनिस्ट हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि आलमास जैकब आपको को क्या मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे 666 सॉरी मेरे काजिन्स आ गई थी, मेरी काजिन और ये मेरी काजिन्स की सॉरी मेरी रूममेट्स आ गई थी और ये मेरी रूममेट्स की काजिन्स है। तो यहाँ पे 666 यहाँ पे सिक्स मिकी माउस के बारे में इतनी मिस इन्फॉर्मेशन कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती आती है। तो बेम्बो नाम के कार्टून के बारे में आलमास जैकब ने जिक्र किया है, तो ये है कि बेम्बो एक रास्ते में चल रहा था तो एक गटर में गिर गया और उस गटर में गिरने के बाद मिकी माउस ने ताले मार दिए हैं। तो एक सीक्रेट सोसाइटी यहाँ में अंदर घुस गया, उसे बार बार पूछा गया था कि तुम क्या सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बनना चाहोगे, और बार बार इनकार कर दिया है और बार बार उसे तकलीफ झेलनी पड़ेगी। आखिर जब उसे लड़कियां मिल गई है तब उन्होंने मिकी माउस बेम्बो ने ज्वाइन मिकी माउस की तरफ ज्वाइन बेम्बो ने एक हाँ बेम्बो ज्वाइन एक सीक्रेट सोसाइटी उस सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना। तो यहाँ पे तो सीक्रेट सोसाइटी का अगर मेंबर ही बनना था तो पहले भी बन जाते हैं, तो यहाँ पे बात करने की क्या जरूरत पड़ गई मेरे भाइयों। इसका साफ ये मतलब है कि मिकी इसके बारे में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन देना चाहता था आलमास जैकब ने। अब बात करूंगी मैजिक के बाद। तो मैजिक आलमास जैकब ने कहा था कि मैजिक जो मैजिक करने वाले होते हैं वो जन्नत में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। तो
मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि मैजिक का मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी पढ़ ली है तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि मैजिक का जो मतलब है वो है ए पावर ऑफ अपेरेंटली इन्फ्लुएंस एविडेंस बाय यूजिंग मिस्ट्रियस और सुपरनेचुरल फोर्सेस। यानी कि किसी चीज से मिलने वाली पावर जो सुपरनेचुरल हो या फिर रहस्यमय हो। तो मैं आपको बता देती हूँ, हाँ तो यहाँ पे मैजिक का मतलब है अपने आप जो सुपर नेचुरल फोर्स से कुछ अमूल चुटकी पढ़ने हासिल करने का जो पावर है उसको मैजिक कहा जाता है। तो इसके हिसाब से तो जीसस क्राइस्ट मोसी और मोहम्मद के जो पावर से और सुपर नेचुरल पावर से इसका ये भी मतलब हो जा सकता है कि ये मैजिक है। लेकिन कुछ बंदे ने बताया कि जो मैजिक करता है उनका असर जहन्नम है। लेकिन मैंने कई सारे बातें देखी है कि मैजिक करके कहीं सही काम किया जाता है जो बिना मैजिक पे नहीं कर सकते हैं। हम मैजिक के जरिए हमारे कुछ अच्छे मैजिशियन हैं जो मैजिक के जरिए कई ऐसे प्रोटेक्शन टूल्स बना लेते हैं जो दूसरों की मदद के लिए काम आ सके, जैसे कि प्रोटेक्शन मास्क जो नॉर्मली बनाने में 6 महीने लगते हैं, कभी कभी 6 घंटे एक सर्जिकल मास्क बनाना हो तो 6 घंटे लगते हैं, लेकिन एक मैजिशियन एक सर्जिकल मास्क चुटकी भर में ही बना सकते हैं और इसे दूसरों को मदद के दूसरों का मददगार भी बन सकते हैं। तो ये थी मैजिक पार्ट। आप लास्ट टॉपिक है बाइबल। बाइबल में जो कहा गया है कि बाइबल में जो कहा गया एवोल्यूशन किताब की सूरा नंबर 21 आयत नंबर 5 में क्या है कि जो मैजिशियन है वो जहन्नम में जाएंगे। तो यहाँ पे भी कुछ आप अलमा चेको तुम क्या कहते हो, बाइबल में जो कहा लिखा गया है सिर्फ वही सही है और बाकी दुनिया में जो कुछ भी लिखा गया है वो सब के सब गलत है? तो कंफ्यूजन ये है कि जेनेसिस किताब के पहला जो सूरा है वहाँ में जो सीक्वेंस धरती को बना को क्रिएट करने की जो सीक्वेंस है और उसे वो बिग बैंग और बायो डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जेनेसिस किताब के दूसरे सूरा में क्या लिखा है, मिट्टी से इंसान को बनाया। तो कुछ कहता है कि मिट्टी में पहले अमीबा थे, उसके बाद पैरामेशियम बन हो गए हैं
किसका चलते चलते बंदर बन गए हैं और बंदर से इंसान बन गए हैं। तो लेकिन कुछ बायोलॉजिकल पेस्ट का कहना है कि मिट्टी से पहले कठपुतले बनाया गया और उसके बाद वहाँ पे खोदा उस कठपुतले पे उस पुतले पे खोदा ने जान फूकी और वो इंसान बन गया। गैलेशियन किताब के जो गैलेशियन किताब के तीसरी सूरा का 28 नंबर आयत में साफ लिखा है कि क्या मर्द क्या औरत क्या आजाद क्या गुलाम क्या यहूदी क्या जेंटाइल क्या नसरत क्या अमीर क्या गरीब सबके सब खुदा की नज़र में एक ही है। लेकिन अल्मास जैकब जब फेमिनिज्म की बात करते हैं तो जेनेसिस किताब की तीसरी सूरा को की पहला 16 आयात को तिलावत करते हुए ये बताया कि देखो देखो अम्मा हवा आदम बाबा आदम को अब्बा आदम को फल खिलाया और इसे इसके वजह से दोनों ही जन्नत से बेदखल हो गए हैं और दोनों ने पाप गुनाह का अमल वक्त शुरू कर दिया है। इसलिए औरतों को लीडरशिप हराम है, औरतों को वुमेन एम्पावरमेंट बाइबल में हराम है। तो बाइबल के रिवोल्यूशन किताब के जो तीसरा बाइबल के रिवोल्यूशन किताब के जो तीसरा 19वां सूरा का जो 12 नंबर का आया थे वहां पे साफ लिखा है कि मैंने देखा कि आसमान से एंजल को फरिश्ता को उड़ने वाले सफेद घोड़े में चढ़ के तलवार लेकर आते हुए देख रहा हूँ। भाई भाई आप लोग ही खुदा को बैकडेटेड बता रहे हैं क्योंकि आज के जमाने में जो जंग होती है वो तलवार से जंग नहीं होती। आज के जो जंग होती है तो वो AK-47 AWI AWACE-12 लंदन असल्ट राइफल से जंग होती है, लंदन असल्ट राइफल न्यूक्लियर बॉम्ब से जंग होती है और जंग में जो व्हीकल इस्तेमाल होती है वो जेट प्लेन उसका नाम है जेट प्लेन टैंक नेवी शिप नेवी या वारशिप उसके बाद सबमरीन्स ये इस्तेमाल होते हैं। तो उड़ने वाले घोड़े और हाथ में तलवार हर तो इसका साफ मतलब है आप लोग ही को बैकडेट बता रहे हैं। तो बाइबल में ऐसे कई सारे बातें हैं जो हमको कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है। उसकी अगर क्लियरिटी बताएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो आप इस वीडियो पूरी तरह से देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर वीडियो का अगर पसंद हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना हो तो लाइक और डिसलाइक कुछ भी मत कीजिए, बस कमेंट करके चले जाइए। लेकिन अगर आप डिसलाइक की है तो मैं समझूंगी आप अल्मास जैकब के तले चटने वाले हैं। तो अल्मास मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी। लेकिन अगर सब्सक्राइब की है तो बेल आइकॉन
पे क्लिक करके ऑल बेल बटन को आइकन को प्रेस ऑल बेल बटन को प्रेस करना होगा ताकि मेरी मेरी वीडियो के बारे में हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं अब चलती हूँ, फिर मिलूँगी। अस्सलाम वालेकुम। और आज की वीडियो बहुत एंटरटेनमेंट हुई। खैर मैं चलती हूँ, अस्सलाम वालेकुम।